subscribe to our channel for latest video series on GATE, UGC, NET and more. Also press the bell icon so that you never miss an update on any latest video. For more information, you can visit our website or call on the numbers below. Question number 34. What is our medium-term scheduler? Medium-term scheduler का मतलब क्या है? मैंने भी पढ़े थे schedulers. तो medium-term scheduler का काम है कि process को कहाँ से swap करना. अगर वो IOQ के अंदर है, IO से ready queue के अंदर भेजना, ready queue से IO में भेजना. तो it selects which process has to be brought into the ready queue. ये काम किसका है? Long-term scheduler का. It selects which process has to be executed next and allocate CPU. यह काम किसका है? Short term scheduler का. It selects which process to remove from memory by sweeping. यह काम किसका है? Middle term scheduler का. यह swapping, swap out, यह काम किसका है? Swap in and swap out काम है middle term scheduler का. Swap in and swap out का मतलब क्या है? कि swap in मतलब कोई process अगर हम RAM से hard disk में भेज रहे हैं, उसको बोल रहे हैं swap out. अगर आप कोई process hard disk से RAM के अंदर लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं swap in. So, C right answer है इस question का. Question number 35, इस simple definition पूछ रहा है short term schedule की definition क्या है. तो हमें बताया कि short term schedule की definition है B. It selects which process has to be executed next and allocate CPU. Question number 36, the primary distinction between the short term scheduler and the long term scheduler is what? Short term scheduler and long term scheduler के बीच में difference क्या है? The length of their queues, the type of process they schedule, the frequency of their execution, none of the mentioned above. मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ short term scheduler और long term scheduler के बीच में difference क्या है? तो मुझे बताया कि short term scheduler के पास में भी एक queue है, जिसको हम ready queue बोलते हैं, जहाँ से उसको select करनी है process. Long term scheduler के पास में भी एक queue है, जिसको हम बोलते हैं job queue, जहाँ से long term scheduler को process select करके RAM के अंदर भेजनी है. तो the length of their queue, कि क्या प्राइमरी डिस्टिंक्शन है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी क्यू की जो लेंथ है वो सेम भी हो सकती है. द टाइप ऑफ प्रोसेस इज द शेड्यूल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन. तो डिफरेंस है द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि कितनी बार उन शेड्यूलर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? हमें एक चीज़ पता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को बहुत कम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बल्कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को बहुत एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को डिसाइड करना है कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन सी भेजनी है, फिर जब कोई प्रोसेस रन कर रही है तो उसको रन से वापस रेडी क्यू में भेजना है. हो सकता है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो जो रन कर रही थी उसको हटा के हमें नई प्रोसेस शेड्यूल करनी पड़ेगी. तो जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम तो बहुत सिंपल सा है. क्या काम है? के न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को भेजना बस. लेकिन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? कि न्यू से रेडी में भेजना, रेडी से रनिंग में भेजना और रनिंग से रेडी में भेजना. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की. सी इज द राइट आंसर. देखिए ये प्राइमरी डिस्टिंक्शन है, प्राइमरी डिफरेंस है इन दो के बीच में. क्वेश्चन नंबर 37, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उस प्रोसेस को पहले सीपीयू एलोकेट करता है जिसने पहले रिक्वेस्ट किया है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग. क्वेश्चन नंबर 38, इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेयर. अभी हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा था. तो अगर किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम खत्म हो गया है तो वो कहाँ जाएगी? वापस टर्मिनेशन में जाएगी, वेटिंग में जाएगी, या फिर वापस से रेडी क्यू में जाएगी. एक बार और बना लेते हैं, न्यू से रेडी. ये बात कर रहा है किसकी? प्रिमिटिव एल्गोरिथम की बात कर रहा है. अगर टाइम स्लॉट आपकी एक्सपायर कर गई है तो कहाँ जाएगा? रनिंग, और यहाँ से टर्मिनेट, एंड लास्ट स्टेट है आपकी वेटिंग. तो रनिंग से वेटिंग में भी आ सकते हैं, वेटिंग से वापस से फिर रेडी क्यू में. अब कोई प्रोसेस रन कर रही थी यहाँ पे, ठीक है, और मैंने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ की हुई है. लेट से मैंने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ की है और टाइम क्वांटम है 4 नैनोसेकंड. तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रोसेस चाहे कितना भी बस टाइम हो उसका, उसको 4 नैनोसेकंड के बाद में वापस रेडी क्यू में आना ही आना पड़ेगा. यानी कि रनिंग से वापस वो रेडी क्यू में जाएगी अगर उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया. ये कह रहा है कि अगर टाइम स्लॉट टू ए गिवन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अगर टाइम स्लॉट उसकी खत्म हो गई है तो वापस कहाँ जाएगी? मुझे पता है कि प्रीमिटिव शेड्यूलिंग का डायग्राम ये है, तो
तो रनिंग से रेडी में जाएगी। और ये काम किसका है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको वापस से रेडी क्यू में भेजेगा अगर इंटरप्ट आया है क्लॉक की तरफ से। जब भी टाइम एक्सपायर हो जाएगा, जब भी 4 नैनोसेकंड कंप्लीट हो जाएगी, तो टाइमर जो है कंप्यूटर का वो इंटरप्ट करेगा सीपीयू को कि टाइम एक्सपायर हो गया है, अब आप नई प्रोसेस को सेलेक्ट करो, तो रेडी स्टेट में जाएगी, रनिंग से रेडी स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, एक मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है? द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम, द प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड्स इन द मेमोरी। इसको हम कई बार देख चुके हैं, जब एक से ज्यादा प्रोसेस मेमोरी के अंदर है इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। सपोज दैट अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज थ्रू व्हिच। तो अभी हमने देखा था, ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोसेस यहाँ पर है, इसको वेटिंग और ब्लॉक, ये स्टेट सेम ही है, इसको ही बोलते हैं वेटिंग या ब्लॉक स्टेट। तो ये कह रहा है कि जब यहाँ पे इसका ऑपरेशन यहाँ से रनिंग स्टेट से उसने आईओ को रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे लिखा होता है आईओ रिक्वेस्ट, मतलब एक प्रोसेस जो रन कर रही थी उसका रनिंग टाइम कंप्लीट हो गया है, अब उसको आईओ ऑपरेशन करना है, तो वो आईओ रिक्वेस्ट करेगी। अगर आईओ डिवाइस फ्री है तो आप उसको सिंपली ब्लॉक कर दोगे आईओ को, डिवाइस को, और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आईओ डिवाइस कुछ और पहले काम कर रहा है तो उस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा यहाँ डिवाइस क्यू में। तो जब वो आईओ कंप्लीट कर लेगा, तो आईओ कंप्लीट करने के बाद में कहाँ जाएगा? रेडी क्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है आईओ कंप्लीटेड, अगर आप इसका डायग्राम देखोगे बुक्स के अंदर, तो आईओ कंप्लीट करने के बाद में प्रोसेस कहाँ जाएगी? रेडी क्यू के अंदर। सपोज दैट अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक स्टेट, जो हमने अभी देखा, वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द रेडी स्टेट। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इन द पीसीबी ऑफ ए प्रोसेस डज नॉट कंटेन विच, मतलब पीसीबी के एक प्रोसेस की पीसीबी के अंदर क्या चीज इनमें से नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ द सीपीयू रजिस्टर्स होती है, हमें पता है कि एक हर एक प्रोसेस का एक पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, स्टैक की वैल्यू, सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, स्टैक की वैल्यू, सब चीजें होती हैं। द सीपीयू द वैल्यू ऑफ द सीपीयू रजिस्टर्स होती है, द प्रोसेसर स्टेट होती है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम नहीं होगा, तो ये पीसीबी के अंदर नहीं होगा, डज नॉट कंटेन कह रहा है, तो डी सही आंसर है, ठीक है। प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब ये कि जब एक प्रोसेस P1 से P2 में स्विच करती है, ओके, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। मतलब एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर रही थी वो हम सीपीयू से हटा लेंगे और नई प्रोसेस को एक क्या करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे। तो जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर स्विच करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। और कॉन्टेक्स्ट स्विच करते टाइम हम क्या करते हैं, पहले P1 का जो डेटा है वो सेव करेंगे, तब P2 को रिस्टोर करेंगे, ठीक है, तो डी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरीली बी सेव्ड ऑन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेसेस, जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है दो प्रोसेस के बीच में, इनमें से कौन सी चीज सेव करने की जरूरत नहीं है, ओके, हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा दो प्रोसेस के बीच में, अगर लेट से आप कोई प्रोसेस रन कर रही थी, उस प्रोसेस को आपने बीच में ही इंटरप्ट कर दिया और नई प्रोसेस ले आए, तो जो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे थे वो जहां तक एग्जीक्यूट हो चुकी है वहां तक तो आपको सेव करनी पड़ेगी, ताकि जब आप वापस से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आओ तो आपको पता हो कि ये प्रोसेस यहां तक एग्जीक्यूट कर चुकी थी। अब ये कैसे पता लगाओगे प्रोसेस कहां तक एग्जीक्यूट कर चुकी थी? ये आप पता लगाओगे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के थ्रू। मेरा मतलब क्या है, लेट से एक प्रोसेस है P1 और एक प्रोसेस है P2। अब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही थी, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन थे, इस तरह से इस प्रोसेस के 4 इंस्ट्रक्शन थे, और इसी तरह से इस प्रोसेस के भी कुछ इंस्ट्रक्शन थे। तो अब P1 एग्जीक्यूट हो रही है, P1 लेट से इसका एड्रेस है 2000, 2002, 2004, 2006, इस प्रोसेस का एड्रेस है लेट से 1002, ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस हैं, इन मेमोरी लोकेशंस पे ये इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हैं। अब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रही थी, इसने I1 एग्जीक्यूट करा, प्रोग्राम काउंटर कहाँ है? यहाँ पर। फिर I2 एग्जीक्यूट करा, प्रोग्राम काउंटर कहाँ है? यहाँ पर। अब जब ये I2 एग्जीक्यूट कर रहा था तो प्रोसेस स्विच कर गई, मतलब क्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ और प्रोसेस यहाँ से यहाँ स्विच कर गई। दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद में अब P2 एग्जीक्यूट करेगी, P2 ने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम काउंटर कहाँ है? यहाँ पर। अब वापस से फिर आपको यहाँ पे आना है, तो जब आप वापस आओगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक रन कर चुका था, इसलिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर करोगे प्लस रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यूज थी वो स्टोर करोगे, हो सकता है यहाँ पे आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो और उनकी जो ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स के अंदर हो,
और कुछ डेटा, कुछ ऐसा चीज़ हो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी स्टोर करने ज़रूरी है, नहीं तो आपको दोबारा से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, रजिस्टर्स की वैल्यू, स्टैक की वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको स्टोर करने की ज़रूरत है। तो जनरल पर्पज रजिस्टर्स, यस आपको स्टोर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम काउंटर आपको स्टोर करने की ज़रूरत है। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। TCP हर प्रोसेस के बाद में जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगी या स्विच कर जाएगी, उसका सारा डेटा जो भी TLB के अंदर होगा, TLB एक कैशे हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर जिसकी हम बात कर रहे हैं, TLB एक छोटा सा कैशे होगा जिसके अंदर हम मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हम पेज टेबल स्टोर करते हैं। पेज टेबल क्या है मेमोरी मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे, पेज टेबल है एड्रेस कैलकुलेशन के लिए, वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम पेज टेबल यूज़ करते हैं। और पेज टेबल कुछ स्टोर होती है, कुछ पार्ट पेज टेबल का TLB के अंदर स्टोर होगा। TLB क्या है, स्मॉल कैशे हैं, सिर्फ पेज टेबल स्टोर होगी इसके अंदर, कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। ओके, तो बी सही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा एक रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करेगा। हमें पता है कि अगर शेड्यूलर रन कर रहा है तो शेड्यूलर क्या किसी को इंटरप्ट करेगा। लेट्स से अगर कोई प्रोसेस P1 इंटरप्ट रन कर रही थी, और मैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ टाइम क्वांटम 2 नैनोसेकंड के बाद साथ, तो अगर इसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया तो टाइमर क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा इसको। ठीक है, टाइमर इंटरप्ट करेगा मतलब क्या है कि टाइमर इंटरप्ट कर सकता है प्रोसेस को, क्यों, क्योंकि टाइम उसका कंप्लीट हो चुका है। अगर टाइमर इंटरप्ट नहीं करेगा तो प्रोसेस P1 जो है वो हमेशा के लिए रन ही करती रहेगी। ये काम टाइमर का है कि CPU को बताए कि इसका टाइमर एक्सपायर हो गया है, अब आपको कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है इसको छोड़ के, तो टाइमर तो कर सकता है इंटरप्ट। क्या डिवाइस इंटरप्ट कर सकता है रनिंग प्रोसेस को, एक डिवाइस इंटरप्ट कर सकता है, यस। पावर फेलियर रन कर सकता है, यस, लेकिन शेड्यूल प्रोसेस इंटरप्ट नहीं करेगी। शेड्यूल प्रोसेस हमेशा रन करती रहेगी, उसका काम यह है कि प्रोसेस को शेड्यूल करना। ठीक है, वो हमेशा रन करती रहेगी, वो किसी को इंटरप्ट नहीं करेगी। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमने एक चीज दिखी थी, जो प्रोसेस है वो दो तरह की होगी, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से अफेक्ट कर रही है। अगर P1 एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस P2 है, तो अगर P1 P2 को अफेक्ट कर रही है या फिर P2 से अफेक्ट हो रही है, P1 अफेक्ट्स P2 और P2 अफेक्टेड बाय P1, तो इस तरह अगर कोई कोई आपकी प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे से अफेक्ट कर रही है, तो उनको बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, उनको आप पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर वो कोई डेटा ऐसा है जो वो दोनों शेयर कर रही हैं, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस, अगर कुछ डेटा ऐसा है जो दोनों प्रोसेस शेयर कर रही है, तो उनको बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस, और वो शेयर डेटा हमेशा एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक्सेस करेगी, जिससे कि ओनली एक प्रोसेस ही एक टाइम पे उसको एक्सेस कर पाए डेटा को। अगर शेयर डेटा एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ उसको यूज़ करें, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। हो सकता है कि प्रोसेस आपका ओल्ड डेटा रीड करे और एक प्रोसेस न्यू डेटा रीड करे, जिसे हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखा था। जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर वो सेम डेटा आइटम्स यूज़ कर रही हैं, तो हम कैसे इंश्योर करें सीरियलाइजेबिलिटी को। इसी तरह यहाँ वहाँ पर सीरियलाइजेबिलिटी थी और यहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो होगी वो एक दूसरे से अफेक्ट होगी। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। व्हेन सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस द सेम डेटा कॉन्करेंटली एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच एक्सेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड वॉट। ये सिंपल सी डेफिनेशन रेस कंडीशन की। रेस कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास में दो प्रोसेस है P1 एंड P2, ठीक है, और मैं कहूँ लेट्स से यहाँ पर है प्रिंट 0, प्रिंट 0, यहाँ पर है प्रिंट 1, प्रिंट 1, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इनका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इसके दो प्रोसेसेस हैं, तो आउटपुट हमेशा कभी भी यूनिक नहीं होगा इसका, इसके बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। अगर आपने पहले P1 को रन करा
उसके बाद में पी टू को, अगर आपका ऑर्डर रनिंग का ऑर्डर ये है पी वन देन पी टू, तो आउटपुट क्या होगा 0011। अगर आप ऐसे रन करते हो पी टू पी वन तो फिर क्या होगा 1100। अगर आपने ऐसे रन किया कि पहले एक इंस्ट्रक्शन इसका एग्जीक्यूट किया, फिर इसका एग्जीक्यूट किया, फिर इसका, तो फिर आउटपुट क्या होगा? अगर आप ऐसे करते हो पी वन पी टू पी वन पी टू, तो आउटपुट होगा पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अगर आप ऐसे करते हो पी टू पी वन पी जीरो पी टू पी वन पी टू पी वन, तो होगा आउटपुट 1010। तो इस तरह से कई सारे आउटपुट हो सकते हैं इस आपके पास में चार चीज़ें हैं तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब 16 आउटपुट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है प्रोसेस का। अगर प्रोसेस का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये है तो आउटपुट ये है, अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये है तो आउटपुट ये है। तो जो फाइनल आउटपुट है वो प्रोसेस के ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, किस ऑर्डर में मैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फाइनल आउटपुट डिपेंड कर रहा है, कोई यूनिक आउटपुट नहीं है। इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। अगर आपका फाइनल आउटपुट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेस कंडीशन। व्हेन सेवरल प्रोसेस एक्सेस द सेम डेटा कॉन्करेंटली एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो पर्टिकुलर ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? रेस कंडीशन। ओके, इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, ये क्वेश्चन अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से है। If a process is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. This condition is known as WASD. मतलब क्या है कि हम एक process synchronization में एक तीन चीज़ें ensure करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी? पहली है mutual exclusion, दूसरी कौन सी है? progress requirement, और थर्ड बाउंडेड वेटिंग। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन बहुत तरह के हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सीमाफोर्स, कंपाइलर प्रोवाइड करता है मॉनिटर्स, फिर इसी तरह एल्गोरिथम्स हमारे पास में पीटरसन एल्गोरिथम हो गई, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन एल्गोरिथम हो गई, डेकर्स एल्गोरिथम हो गई, या फिर हार्डवेयर में एक इंस्ट्रक्शन है TSL इंस्ट्रक्शन, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हर एक सॉल्यूशन ये तीनों चीज़ें नहीं कर पा रहा है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो तीनों की तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर देगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होनी चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन कौन सा पार्ट है एक प्रोग्राम का? अगर कोई आपके पास प्रोग्राम है उसके तीन सेक्शंस होंगे, एंट्री सेक्शन, उसके बाद में क्रिटिकल सेक्शन और फिर एग्जिट सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन एक प्रोग्राम का वो पार्ट है जहाँ पे आप शेयर डेटा को एक्सेस करते हो, कोई शेयर डेटा एक्सेस करते हो जो कोई और प्रोसेस भी यूज कर रही है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो हम चाहते हैं कि शेयर डेटा एक प्रोसेस एक टाइम पे एक ही प्रोसेस उसको यूज करे, उसी कंडीशन को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स ओनली वन प्रोसेस शुड बी इन द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। तो इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। ये सिंपली यही कह रहा है कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस होनी चाहिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनाइजेशन टू, इसका मतलब है टूल। ओके, मैंने अभी बात करी थी जो आपका सिंक्रोनाइजेशन है वो कई तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं, कुछ सॉल्यूशन आपके एल्गोरिथम्स ने दिए हुए, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन कौन दे सकता है? हार्डवेयर भी दे सकता है, या फिर सॉल्यूशन कौन दे सकता है? कंपाइलर भी दे सकता है। तो कंपाइलर ने एक सॉल्यूशन दिया था मॉनिटर, मॉनिटर एक सॉल्यूशन था कंपाइलर की तरफ से था। OS एक प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन सीमाफोर की फॉर्म में, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम टूल है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे तीन एल्गोरिथम थे हमारे पास में, डेकर्स एल्गोरिथम, पीटरसन एल्गोरिथम इस तरह से, और यहाँ पे था एक TSL इंस्ट्रक्शन, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल? सीमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अ सीमाफोर इज ए शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। ओके, सीमाफोर एक वेरिएबल है, हमें पता है सीमाफोर क्या है, एक वेरिएबल है जिसपे हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वेट एंड सिग्नल। ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं इस पर। वेट क्या करता है? इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा बाय वन।
सीमा, अगर आपने किसी भी सीमा फोर पे ये ऑपरेशन लगाया वेट, तो वो सीमा फोर वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज कर देगा बाय वन. सिग्नल क्या करता है, इंक्रीज करेगा बाय वन, सीमा फोर की वैल्यू बाय वन इंक्रीज कर देगा. तो अगर मैं कहूँ मेरे पास में इनिशियली एक सीमा फोर है, सीमा फोर एस, और उसकी वैल्यू है इनिशियली लेट से 8. तो अगर मैं लेट से 12 सिग्नल ऑपरेशन लगाऊं उस पर एंड 8 वेट ऑपरेशन लगाऊं, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू एस की क्या होगी? तो फाइनल वैल्यू होगी सिंपली, इनिशियल वैल्यू 8 थी, मैंने कहा कि एक सिग्नल ऑपरेशन सीमा फोर की वैल्यू बाय वन इंक्रीज कर देता है. तो 12 सिग्नल ऑपरेशन क्या करेंगे, बाय 12 इंक्रीज कर देंगे. 8 वेट ऑपरेशन क्या करेंगे, 8 टाइम्स को डिक्रीज कर देंगे. तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 12. तो ये काम है वेट एंड सिग्नल का, और सीमा फोर का ये काम है. सीमा फोर की वैल्यू कभी भी जीरो से नीचे नहीं जा सकती. अगर वो जीरो से नीचे सीमा फोर की वैल्यू गई तो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी. हर एक प्रोसेस सीमा फोर का यूज करके किसी भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगी. तो सीमा फोर इज अ शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो जीरो, दैट कैन नॉट बी मोर देन जीरो हो सकता है, दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो वन हो सकता है. अगर उसकी वैल्यू जीरो भी है अभी भी आप यूज कर सकते हो. दैट कैन नॉट बी मोर देन वन हो सकता है, काउंटिंग सीमा फोर की बात करें तो. काउंटिंग सीमा फोर दो तरह के सीमा फोर है, हमने भी देखा था, बाइनरी सीमा फोर एंड काउंटिंग सीमा फोर. बाउंड्री सीमा फोर का मतलब यह क्या है कि वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है सीमा फोर की. काउंटिंग सीमा फोर का मतलब यह कि वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन जीरो से नीचे नहीं जा सकती है. ठीक है, इसीलिए ये सही है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूटेक्स लॉक्स, बाइनरी सीमा फोर, बोथ म्यूटेक्स लॉक्स एंड बाइनरी सीमा फोर्स, नन ऑफ द मेंशन्ड अबव. तो इसका सही आंसर है सी. म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक्स के थ्रू भी एंड बाइनरी सीमा फोर्स के थ्रू भी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर सकते हैं. बाइनरी सीमा फोर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो होगी या वन होगी. इसी तरह म्यूटेक्स लॉक्स की वैल्यू भी या तो जीरो होगी या वन होगी. अगर लॉक की वैल्यू जीरो है तो फ्री है, वन है तो लॉक बिजी है. तो ये लॉक वेरिएबल या सीमा फोर वेरिएबल दोनों यूज कर सकते हैं हम इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन काउंटिंग सीमा फोर नहीं यूज कर सकते. अगर काउंटिंग सीमा फोर की वैल्यू मोर देन वन हुई तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकती है. लेकिन अगर बाइनरी सीमा फोर है तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जाएगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज कर सकते हैं. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, क्वेश्चन नंबर 50. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ. हमने भी देखा था कि सब सॉल्यूशंस, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के सॉल्यूशंस है, हार्डवेयर भी प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, एल्गोरिथम्स भी है हमारे पास में, कंपाइलर भी प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ये दोनों एक चीज़ सेम चीज़ है. तो हार्डवेयर लेवल पर प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पर भी. हार्डवेयर लेवल पर क्या है, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन. सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या है, हमारे पास में एल्गोरिथम्स है तीन, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी है, कंपाइलर लेवल पे भी है. तो बोथ हार्डवेयर लेवल एंड सॉफ्टवेयर लेवल प्रोसिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन बोथ ऑफ दीज लेवल्स. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दीज आर द 50 क्वेश्चन फॉर डे वन. नाउ वी विल सॉल्व, वी विल अपलोड नेक्स्ट 50 क्वेश्चन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एज यू रिमेंबर वी विल अपलोड 200 MCQs ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो कीप वॉचिंग. Thank you.